फ्रेंड्स आप पूरी वीडियो देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, तो फ्रेंड्स वीडियो को अवश्य लाइक करें, और जो पहली बार जुड़े हैं मेरी वीडियो के साथ वो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को एक मानव द्वारा निर्मित नहर को, जिसको पार करने में जो जहाज़ होते हैं उनको एक दिन लग जाता है, और जिनकी स्पीड कम होती है उनको एक दिन से लगाकर डेढ़ दिन तक का टाइम लग जाता है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है। स्विज नहर का ये मार्ग भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, अफ्रीका और एशिया को विभाजित करता है। इसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर यानी दोस्तों 120.11 मील है। यह नहर यूरोप और एशिया के बीच लोकप्रिय मार्ग है और अंतरिक्ष से कुछ इस तरह दिखाई पड़ती है इसकी तस्वीर। दोस्तों मैं बंटे प्रताप, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सपोर्ट और सहयोग से मेरे 31.2K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मैं बनाता हूँ मर्चेंट नेवी से रिलेटिव ब्लॉग, और दोस्तों जो भी जानकारी मुझसे बनती है मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो अभी हमारे पास से होकर गुजर रहा है कंटेनर शिप, तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया स्विज कनाल के बारे में जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता था। नेक्स्ट टाइम अगर हम यहाँ से निकलते हैं, किसी कारणवश मैं वीडियो को नहीं बना पाया दोस्तों, तो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ से हम गुजरते हैं तो मैं पूरा इस स्विज कनाल का एक वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए ब्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगा दोस्तों आप हमेशा सोचते होंगे इतने बड़े शिप में आके डीजल यानी फ्यूल शिप में किस तरीके से डाला जाता है, तो वही सब मैं आपको आगे वीडियो में चलकर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर कंटिन्यू आप बने रहें। ये होता है जहाज़ का पिछला हिस्सा दोस्तों, और जैसे शिप होता है शिप के साइड में एक छोटा शिप ऑयल टैंकर आकर बंकर जो होता है बंकर शिप वो लग जाता है और उसके द्वारा डीजल लिया जाता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं स्टारबोर्ड साइड। ये है हमारे शिप की स्टारबोर्ड साइड, और यहाँ पर ये एक छोटा सा शिप खड़ा है, इसे आप ऑयल टैंकर भी कह सकते हो, क्योंकि ऑयल टैंकर बड़े बड़े भी होते हैं पर ये छोटे होते हैं। इनका काम होता है जो बड़े शिप होते हैं जनरल कार्गो बल्क कैरियर कंटेनर जो भी शिप होते हैं उनको ये फ्यूल देते हैं। तो जो ये प्रक्रिया होती है इसको बंकरिंग कहा जाता है प्रक्रिया को दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे ये हमारे शिप के स्टारबोर्ड साइड खड़ा है और इससे लिया जा रहा है फ्यूल दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ बड़े शिप में इन छोटे ऑयल टैंकर से बंकर से फ्यूल लिया जाता है दोस्तों। दोस्तों अभी तक तुमने नहीं किया है वीडियो को लाइक, तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो नए जुड़े हैं पहली बार जुड़े हैं मेरी वीडियो के साथ वो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में आप लोगों के लिए। और आप अपना एक कमेंट ज़रूर छोड़िए, क्योंकि उससे ऐसा होता है मुझे पता चलता है मेरी वीडियो में क्या मतलब कमियाँ बची हैं या अच्छी बनी है, तो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है दोस्तों, और एक मनोबल भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों जो भी लोग आप वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो दोस्तों आप सामने देख रहे होंगे ये एक ब्रिज है, ये इस्तांबुल का एक मैंने वीडियो छोटी सी बनाकर आप लोगों के लिए डाली है, क्योंकि बहुत से कमेंट आते थे भी मेरे से बोलते थे कि इतने बड़े शिप आके ब्रिज के नीचे से कैसे निकल जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी आँखों से इस तरीके से कुछ बड़े बड़े ब्रिज होते हैं और बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जो निकल जाते हैं ब्रिज के नीचे से पुल के नीचे से। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये फनल है, ये हमारे शिप का पिछला हिस्सा है, तो काफ़ी हाइट लिए हुए है ये ब्रिज। इस्तांबुल में ये ब्रिज पड़ता है दोस्तों, इस्तांबुल क्रॉस करते हैं इस तरीके के 3-4 ब्रिज पड़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही उनको क्रॉस कर 3-4 जो ब्रिज है उनको क्रॉस कर सिर्फ निकलते हैं इस चैनल में, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ व्यू निकल कर आता है दोस्तों। एक वीडियो में इस पर भी आप लोगों के लिए एक अच्छी तरह से बनाकर अपलोड ज़रूर करूँगा नेक्स्ट टाइम दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों वीडियो को देखने के बाद।